the Dolphins. एडवोकेट मैडम अभी गई है अंदर, थोड़ा सा सिग्नेचर मेरा किया है मैंने, और रजिस्ट्रेशन का जो भी आगे का प्रोसेस है वो वहाँ पे वो बैठ के डील कर रही है। तो आई होप 2-5 मिनट लगे, आज लकली बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा फॉर्चुनेट समझ रहे हैं कि भाई भगवान की दया है, गणपति ऊपर साथ में। नहीं तो संदीप भाई कह रहे थे कि 9 बजे उसमें तो पूरा दिन लग जाता है, क्या बात। अभी फिलहाल ज़्यादा भीड़ नहीं लग रहा, चलिए देखते हैं फिर। हार्डली जब भी होता है मैं फिर निकल के आता हूँ, वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि मैडम कब जल्दी एडवोकेट मैडम। चलिए मिलते हैं रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर मैडम जाए। हाँ रजिस्ट्रेशन है वो हो गया है, और ये मैडम ने सक्सेसफुली हम लोग को आई थिंक 10-15 मिनट में ही सारा कुछ करवा दिया, एंड बहुत बहुत धन्यवाद गणपति बप्पा का। अब चलिए हम लोग बाहर चलते हैं, कुछ थोड़ा मुंह मीठा करते हैं और घर पे भी बताते हैं माँ को। चलिए चलिए चलो भाई। चलिए चलिए हो गया। हाँ हाँ ये ऑफिस से काम ख़त्म करने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं। थोड़ा देखिए नारियल पानी भाई लोग पी रहे हैं, आंटी यहाँ पे काट के दे रही हैं, और ये देखिए मैं भी थोड़ा सा नारियल पानी पी ही लेता हूँ यहाँ पे भाई लोग के साथ। चलिए काम हो गया तो थोड़ा सा कुछ मुँह मीठा कर लेते हैं। तुम्ही कमीत कमी शब्द लिहा जेणेकरून तुम्हाला ते रिझल्ट्स
कोथरूड सारखे हवे आहेत आणि कोथरूड टाकलंय. सो त्यांनी इथे सिलेट एरियामध्ये ये हम लोग एंटर कर रहे हैं अभी नांदेड सिटी में. चलते हैं घर पे. चलिए चलते हैं संदीप बाबू के घर पे, वहीं पे आराम करो थोड़ा सा. ये सारा कुछ पार्क में आने के बाद अब जरा सा यहाँ पे हम पॉन्ड पे आए हैं. ये देखिए यहाँ पे एकदम रेड कलर की मछलियाँ, कितना सुंदर लग रहा है. यहाँ पे तो और भी ज्यादा है, देखिए ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे वाओ, व्हाइट भी है, ब्लैक छोटा छोटा है. हाँ वो दूसरा मछली है, ये रहा व्हाइट. क्या बात है यार, खतरनाक है भाई, ये खतरनाक व्यू है यहाँ पे. सीरियसली बहुत मस्त है, बहुत मस्त. हाँ और ये पूरा देखिए यहाँ पे सारी पब्लिक जो है, सो इवनिंग टाइम में यहाँ आके थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है, मैं यूँ कहूँ. बहुत बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके. और हाँ मैं भी यहाँ पे अभी आया हूँ, थोड़ा सा हम लोग घूम फिर लेते हैं. तो ये पार्क बहुत अच्छा है नांदेड़ सिटी का. और यहाँ पे जो अगर मैं पीछे आपको दिखाऊँ ये मछलियाँ, ओहो कुछ कहना ही नहीं है इनका तो, लाजवाब मछलियाँ. और पीछे आपको वहाँ दिखाऊँ तो ये यहाँ पे जो है ये कमल के ये पत्ते भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. पता नहीं कमल फल है या नहीं, बट हाँ बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ के. क्या नहीं आएगा वीडियो आ रहा है ना, हम निकाल रहे हैं. इसमें स्लो करेंगे तो और आती रह जाएगा. अब सारा कुछ पार्क भ्रमण करने के बाद वापस से हम लोग अब चल रहे हैं घर की तरफ. और ये देखिए वही आपको दिख रहा है वापस, शिवाजी के जितने भी यहाँ पे हैं, शिवाजी के स्टैचूज यहाँ पे लगे हुए हैं. बड़ा अच्छा लग रहा है. अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पहुँच रहे हैं संदीप भाई के घर. चलिए भाई यहाँ पे ये इडली वड़ा है, देखिए सामने 10 रुपए का इडली वड़ा, ये सारा कुछ सब मिलता है. तो हम लोग आके यहीं पे नाश्ता करने वाले हैं. बड़ा अच्छा जगह हम लोग को कल दिख गया था. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. कृतवाड़ी ये देखिए खड़कवासला डैम, यहीं से डैम शुरू होता है. ओके एंट्री बंद कर दिया. ओहो हाँ ये बंद रख किया हुआ है इन लोगों ने. चलिए इधर से चलते हैं. ये देखिए सामने जो है वो पहाड़ ही पहाड़ यहाँ पे दिख रहा है. बहुत पुणे की यही खासियत है, आपको एकदम मस्त ग्रीनरी और पहाड़ वाला एरिया हर जगह आपको मिलने आए. ये कौन सा जगह है? ये खड़कवासला विलेज है. अच्छा ओके डैम के बाजू में. हाँ वही डैम के लिए लेफ्ट में पास लिखा हुआ था जैसे हमने देखा. दिख रहा है पानी अभी थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, चलिए नीचे चलते हैं. ये पानी का एरिया है. अच्छा ओके पहले नीचे से ही था पूरा फ्लैट. अच्छा ये रोड नया बना है क्या? रोड पहले ही है, कंपाउंड ऊपर से बना, हाइट बना. अब दिख गया ये पूरा का. देखिए यहाँ पे पानी पानी दिख रहा है. चलिए डायरेक्ट यहाँ से क्यों मजा लेना, डायरेक्ट हम नीचे जाके ही आपको मजा लेते हैं. बारिश में तो सही बात है यार, फट जाता है.
तो हम लोग यहाँ पे अभी आए हैं और एक बार जरा उतर के देखते हैं कि नीचे का सीन क्या है, यहाँ से कितना अच्छा व्यू हमें मिलता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए। हाँ आइए भाई, देखते हैं क्या है नीचे। देखिए पेड़ कैसे को फ्लैट आया। हाँ यार, ये पेड़ तो लगता है ऐसे सो गया एकदम डैम के ऊपर। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। ओहो आराम से चलना भाई, वैसे आदत तो है यार, ऐसे बचपन में बहुत सारा हम लोगों ने तिकड़म किया था यहाँ पे। ओह बच्चे वहाँ पे आगे खेल रहे हैं यार, ये देखो सही है। वाओ क्या मस्त व्यू है। अरे चालू किया है, वहाँ से बहुत मस्त व्यू है यार। आई थिंक वही है ना अपना नांदेड़ सिटी। हाँ 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 हाँ, वो अपना सिटी है। फेज टू का बिल्डिंग दिख रहा है आपको वहाँ से। देखा आपने, डॉगी नहा रहा है। देखो देखो, अरे सही है यार, मस्त है। पब्लिक फोटो सेशन भी आगे कर रही है। अरे पूरी गणपति बप्पा मोरया। अब हम लोग निकल चुके हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में। हमने जो घर बुक किया था 2 महीने पहले, उसका आज रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है। और हम लोग फुल एकदम, ये जो ऑफिस है हमारा वो गणेश नगर में है, तो यहाँ से एक्चुअली हम लोग को अभी 45 मिनट्स लगने वाला है जैसा हमें दिखा रहा है। और संदीप भाई की सहायता से हम लोग होपफुली थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि भाई के कार में बैठे हैं आराम से, एसी वेसी खा रहे हैं हम लोग। अब चलिए सीधा पहुंचते हैं हम लोग रजिस्ट्रार ऑफिस, और फिर वहां पहुंच के आपको दिखाते हैं कि आखिर ओवरऑल कितना टाइम लगता है, क्या कुछ चीजें जरूरी पड़ती है। तो जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि पुणे में अगर मैं नया घर ले रहा हूँ, तो उनको एक पूरा प्रोसेस, पूरा डिटेल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। आई होप, मैं कोशिश करूंगा कि उनको प्रॉपरली हेल्प मिल पाए कि आखिर स्टार्ट से एंड तक क्या क्या प्रोसेस होता है और क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं, कितना कुछ चार्जेस आपको पे करना पड़ता है, कहाँ पे कुछ हिडन चार्जेस है जो नहीं बताया जाता है बिल्डर के द्वारा। तो ये सारी चीजें, इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। प्लीज ट्यून इन टू दिस वीडियो और बने रहिए हमारे साथ। और चलिए रजिस्ट्रार ऑफिस मिलते हैं।